कटिंग करने जा रहे हैं, ये आगे का पल्ला है, ये आगे का पल्ला है, और हमें बहुत ध्यान रखना है ये गला के नीचे ये बनेगा, हमें यहाँ से गला बनाना है, यहाँ से हमें गला बनाना है, ये यहाँ से गला बनाना है। अब ये पट्टी यहाँ से नहीं, लंबाई हमको जो है पूरा पूरा यहाँ से ही लेना पड़ेगा, यहाँ से लंबाई हमें लेना पड़ेगा। अब सूट की लंबाई है 35 इंची, ये लंबाई ज़्यादा आ रहा है 40, तो हमें 35 इंची करने के लिए हमें यहाँ से ये बॉर्डर निकालना पड़ेगा। ये बॉर्डर चाक में लगेगा, ये बॉर्डर हमने निकाल दिया, फिर हमने ये बॉर्डर निकाल दिए, अब हमने ये पट्टी भी खोल रहे हैं। सूट तैयार होने के बाद ये पट्टी लगेगा, ये हो गया। अब इस सूट को जो है हम इस हिसाब से डबल कर रहे हैं, ऐसे सूट ये डबल कर रहे हैं, ये सूट हमने डबल कर दिए। डबल करने के बाद ये सूट जो है डबल हो गया। डबल होने के बाद हमने यहाँ से ये डिज़ाइन का नाप ले लिए, कितना है 35.5 इंची, 35.5 इंची 34.5 है, 34.5 है, ये हो गया 34.5 इंची तैयार। लेकिन ये ज़्यादा आएगा, ज़रा सा ज़्यादा आएगा, हमें ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फुल कट जाएगा। ये यहाँ से पट्टी रखना होगा, यहाँ से फुल भी काट नहीं सकते, ये गला भी नहीं काट सकते, लंबाई ज़्यादा होगा हो जाने दे, इसका कोई चांस नहीं है। ये देखो ये, और उसके बाद ये जो है ये अब ऐसे उल्टा की तरफ कर दो, नहीं तो चौक का निशान आ जाएगा सीधे कपड़े में, इसलिए कपड़ा जब भी कभी हो उल्टा की तरफ से निशान लगाना चाहिए, और ये गला की तरफ ऊपर रखना चाहिए, दाहिने हाथ की तरफ गला वाला ऊपर का पोजीशन दाहिने हाथ की तरफ रहेगा। ये अब जो है हमने यहाँ से गला लेना है, और जो है ये हम लंबाई, ये चेस्ट मुड्ढा उतारने का ये है निशान, वेस्ट का ये 13 इंची, और हिप का जो है 20 इंची से ज़रा सा ऊपर या ज़रा सा नीचे ले सकते हैं, और ये यहाँ लंबाई इतना तैयार आएगा मेरा, ठीक है 35.5 इंची तैयार आएगा। अब जो है ये 3 इंची गला का ले लिए, 2.5 इंची, 11 इंची तीरा ले लिए, पीछे का गला डीप रहेगा तो तीरा कम कटेगा, अगर पीछे कॉलर रहेगा तो उसका तीरा ज़्यादा कट जाएगा, अब गला डीप रहेगा तो उसका तीरा कम कटेगा, 10 इंची 11 इंची ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंची, और कॉलर रहेगा 13-14 कटेगा। अब ये चेस्ट है 19 इंची, 9.5 इंची हो गया, 9.5 इंची चेस्ट हो गया, 17 इंची, 8.5 इंची वेस्ट हो गया, ये हिप हो गया 19.25 इंची, 19.25 तो 10.25 इंची पे हमने काट दिए, और ये 20 इंची घेरा है तो 10 इंची पे काट दिए हमने। अब इसमें हमें 1.5 इंची मार्जिन रखना है, 1.5 इंची मार्जिन रखना है, इतना मार्जिन रखना है, इतना मार्जिन रखना है, और ये यहाँ से सीधा करके ऐसे राउंड मार देना है। अब ये जो है इतना हमारा तैयार होने का निशान हो गया, ये तैयार का निशान आ गया, ये तैयार का निशान आ गया, और हमें काटने वाला निशान जो है ये है मेरा काटने वाला निशान, हम इस निशान पे सिलाई करेंगे, इस निशान पे काट देंगे, और इसमें इसी निशान पे हम काट देंगे। ये देखो ये हमने काट दिए, अब ये यहाँ से ये हमने काट दिए, ये हो गया काटने वाला निशान, वो हो जाएगा सिलाई करने वाला निशान, ये हमने काट दिए। अब ये हो गया फोल्ड करने का इतना सा, ये यहाँ हो गया, ये हो गया, ये निशान लगा दिए, ये इसका निशान लगा दिए, ये फ्रंट का पल्ला कट गया, इसका उल्टा साइड भी हमने निशान लगा दिए, ये हो गया, ये इस निशान पे सिलाई हो जाएगा, इस निशान पे सिलाई हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करके इधर अगर हम निशान लगा दिए, ऐसे करके निशान लगा दिए, तो ये मेरा ये इधर फोटोकॉपी हो जाएगा, ये देखो ये निशान लग गया। अब हम इसी निशान पे सिलाई कर सकते हैं। सूट काटने का तरीका, ये सीधा हाथ की तरफ रहना चाहिए, सीधा हाथ की तरफ, दाहिने तरफ ये ऊपर की भाग रहना चाहिए। ये बैक फ्रंट पल्ला कट के तैयार हो गया, आप बैक काट रहे हैं, अब ये पीछे का पल्ला काटेंगे। अब ये पीछे का पल्ला जितना हमें ज़रूरत है उतना ही फोल्ड करना है, ज़रूरत भर ही फोल्ड करना है, ताकि बाजू निकालने में आसान हो जाए। ये देखिए अब ये ज़रूरत भर ही फोल्ड करना है, जैसा छोटा पड़ गया जैसा बढ़ा दो, ये हो गया।
ये बराबर कर दिए। अब इसको फिर काट दो। अगर जो काटना है तो पीछे का मुड्ढा जो है, यहाँ पर मुड्ढा जो है थोड़ा सा बड़ा काटना है। ये यहाँ यहाँ से ये बड़ा काटना है। ये बड़ा रहेगा, ये फ्रंट का छोटा रहेगा। अब ये जो है हमने ऐसे बड़ा काट दिए। अगर अगर इसके बराबर ये काटेगा तो गलत हो जाएगा। ये पीछे का बड़ा होना चाहिए मुड्ढे की तरफ। ये फिर इसके बराबर का काट दो। ये हो गया। फिर ये लंबाई हमने ले ली है। ये हो गया। अब पीछे का गला हमें इसी में काटना है। पीछे का गला कितना, 5.5 इंच डीप है, तो हमने 5.5 इंच डीप यहाँ कर दिए, 5.5 इंच का डीप। और ये गोलाई में ऐसे करके ले लिए। ये हो गया। कितना, 19 इंची ये चेस्ट तैयार रखना है। यानी ये लेडी जो पहनने वाली है उसका चेस्ट 19 × 38 है, तो उसका चेस्ट 36 ही होंगे, तभी जाकर ये सूट आ जाएगा। हम तो सूट के नाप के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। सूट जितना है उस हिसाब से तैयार रखना है इसको। अब बाजू काटना है। सलवार का बेल्ट का कपड़ा कम हो गया, अब हमें अलग से ला के लगाना पड़ेगा, दूसरा दुकान से मार्केट से खरीद करके लगाना पड़ेगा। इसका पैसा कस्टमर अलग से देगा हमें। ये इसमें से बाजू काट दिए। ये हो गया बाजू। ये बाजू हम काट रहे हैं। बाजू कितना है इसमें लिखा हुआ, बाजू है 15 और 9 इंची। ये 15 इंची बाजू हम काट रहे हैं। कपड़ा फालतू जा रहा है, बेकार हो रहा है, इसलिए हमें एक एक बाजू करके काटना होगा। ये हम एक बाजू काट रहे हैं, ये एक बाजू। अब ये बाजू जो है हमें रखना है 15 इंची। ये 15 हमने रख दिए। अब ये मोहरी 9 इंची है, और यहाँ से ये 3.5 इंची डाउन करना है। 3.5 इंची ये मोटा 36 साइज वाले का है, 9 × 36 इंची चेस्ट वाले का है सूट ये, तो हमें ये 7.5 रखना पड़ेगा, 7.5 इंची। इसमें जरा सा जोड़ आएगा, इसका बाजू में जोड़ आएगा। जोड़ हमें ये 7.5 इंची और ये 4.5 इंची। अब ये जो है हमने यहाँ से ये सीधा कर दिया, सीधा कर दिया आएगा। ये जोड़ आएगा, देखो ये बाजू में जोड़ आएगा। ये बाजू में जोड़ थोड़ा कम कर देते हैं। साढ़े 3 इंची यहाँ से ये डाउन, 3.5 इंची आना चाहिए, 4 भी आए तो चलेगा। अब हमें फिर दूसरा कपड़ा, ये हमने बाजू कटिंग कर दी। ये अब बाजू कटिंग हो गया, इसमें जरा सा जोड़ आया, जोड़ इस बाजू में जोड़, क्योंकि कपड़ा कम होने की वजह से ये आपका जोड़ जरा सा आएगा। ये इसमें कपड़ा कम हो रहा है, इसमें भी जोड़ आएगा, इस वाले में भी जोड़ आएगा। अब जो है ये ध्यान रखना है कि जोड़ वाला हमारा पीछे जाना चाहिए, जोड़ वाला पीछे जाना चाहिए, तो आगे का पल्ला में ये जरा सा इस तरह से काटना है। तो ये जो है ना पल्ला, ये आगे की तरफ आएगा। ऐसे जब पहनेगा ना ऐसे करके, तो ये आगे की तरफ आना चाहिए, ये आगे की तरफ आना चाहिए, ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, ताकि हाथ मोड़ने में ऐसे टाइट ना पड़े। बाजू की कटिंग हो गया फाइनल। बोलिए, ये वीडियो पूरा देखने के बाद सूट की कटिंग आप करना सीख जाएंगे। बहुत अच्छा सूट की कटिंग हुआ, बहुत सफाई से ये कटिंग हुआ है। ये आप बुटीक का कटिंग देख रहे हैं, बहुत अच्छी कटिंग है ये। ये सूट की ये पल्ला आगे की तरफ आना चाहिए। ये देखो, ये खुटका और ये खुटका सेम होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। ये इस तरह से आगे के पल्ला में जाएगा और ये पीछे का पल्ला में जाएगा।